कैसे कोहली भाई, देखो हमारे बच्चों ने तीसरा मैच जीत लिया, अब देखना चौथा मैच भी कल जो होगा, हमारी टीम जीतेगी, सीरीज करेगी 2-2 से बराबर, और उसके बाद भैया पांचवा मैच भी हमारे नाम, हमारे बच्चे सीरीज जीतने में सफल हो जाएंगे। हाँ हाँ, कौन भी भाई अपने बच्चों को बोलो मंड के रखे पाकिस्तान वालों को, तीसरा चौथा पांचवा लगातार जीतो, ताकि फिर हम भी पाकिस्तान वालों की कर पाए धमाकेदार बेइज्जती। फिलहाल चौथे मैच में ठोको, फिर देखो हम इनसे पूछ। हाँ कोहली भाई, टीम तो हमारा जीत रहा है, तीसरा मैच भी जीता, लेकिन हम उस तरह से पाकिस्तान का बेइज्जती नहीं कर पाया, ये ससुरा बहाने बना रहा है। मुझे लग रहा चौथा मैच भी हम जीत गए, फिर भी ये बहाना बनाएगा, बोलेगा जानबूझ के हमने सीरीज बराबर किया ताकि आखिरी मैच में मजा आ सके, इसलिए कोई बहाना बना लेंगे और बेइज्जती हमसे नहीं करवा पाएंगे। यार उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी, दो मैच लगातार हमसे जीतने के बाद, अब हम भी सोच रहे हैं कुछ ऐसा करें कि इनकी बेइज्जती कर पाए। जिमी निशम काय को टेंशन ले रहा है, चौथा मैच नहीं तो पांचवा जीतेंगे, सीरीज हमारे नाम होगी, फिर खुल के बेइज्जती करेंगे इनकी, फिर ससुरी के कुछ नहीं बोल पाएंगे, बस इसी तरह हिम्मत जुटाओ, जिस तरह से पिछले मैच में ठोका था, फिर देखो हम इनका कैसे बैंड बजाता है, ऐसे बेइज्जती करेगा इनके बांध के, न ससुरी का हिल सकेगा न झुल सकेगा, फिर कोई बहाना नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे भी तो बन नहीं पाएगा, फिर बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं बचेगा इनका। अबे चुप करो ससुरी वालों, टॉम लैथम के बच्चे, पिछला मैच तुम गलती से जीत गए, चाचा ने कैसे ठोका था, वो छक्का नहीं हुआ, कैच हो गया, ससुरी वालों अब आपसे कुछ नहीं होगा, तुम देखते जाओ चौथा और पांचवें मैच में चाचा तुमको कैसे फेंटा लगा था। बाबर भैया कुछ समझाओ, खाम खा टें टें कर रहे हैं मेरे को, चौथे मैच में थोड़ा ऊपर भेजना बैटिंग ऑर्डर में, फिर मैं इनको बताऊंगा जब शतक ठोकूंगा, और कोहली भी ससुरा इनकी साइड ले रहा है खामखा। छोड़ चाचा यार, इनको करने दे टेंटे, इस मैच में ना चौथे और पांचवें मैच में तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो भैया तीसरे मैच में हमारा कोई बल्लेबाज ऊपर से चला नहीं, लेकिन इस बार तुम बाहर बैठ के तमाशा देखना, हम इनका कैसे बैंड बजाते हैं, ऐसे ठोकेंगे, ये भी याद रखेंगे, बाबर के बल्ले से फिर चौथे और पांचवें मैच में लगातार शतक आएगा, और कोहली भाई तुम शर्म करो, इनकी साइड ले रहे हो, ये फोकट में हार जाएंगे, एक मैच जीता था गलती से। छोड़ बाबर भैया, रहने दो, ये न्यूजीलैंड के बच्चे भैया अब अच्छा खेल रहे, हमको भी पता है कौन बढ़िया खेलेगा, और न्यूजीलैंड वालों चौथा मैच जीत लेना, फिर आएगा मजा, हम दुआ करेगा तुम्हारे लिए कि तुम चौथा मैच जीतो, ताकि पांचवें मैच में मजा। छोड़ो कोहली भाई, वो मैच गलती से जीत गए थे, आपको मजा नहीं आ रहा है कि हम छक्के लगा रहे हैं, वो उधर मजा नहीं आ रहा, बाबर शतक लगा रहा है, हालांकि वो तुम्हारा दोस्त है, तुमको खामखा हमको हराने पर तुले हुए हो, मजा ज्यादा आता है क्या? छोड़ यार चाचा, ये कोहली को ज्यादा मजा आता है जब पाकिस्तान हारता है, कोहली भैया इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, फिलहाल मेरे शतक देखकर मजा लेना और चाचा के छक्के देख के मजा ले लेना, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले इस बार नहीं जीत पाएंगे एक भी मैच। अब बाबर भैया ऐसी बात नहीं, हम तुम्हारे दोस्त ही हैं, वो क्या है न्यूजीलैंड के बच्चे जब आपको ठोका हमको बहुत मजा आया, हमारे देश वाले भी खुश हुए, वैसे भी तुम चौथा मैच हार जाओ, पांचवें मैच में जबरदस्त मुकाबला होगा और पाकिस्तान को अच्छा पैसा मिल जाएगा पांचवें T20 मैच में, देखो कितनी बड़ी बात हमने बोली, तुम्हारा कितना फायदा हो जाएगा और गरीबों के घर के चूल्हे थोड़े बहुत रोशन हो जाएंगे और तुम्हारे घर भी अट्टा आ जाएगा, ससुरी के हार जीत में क्या रखा है, थोड़ा सा पैसा भी कमा लो ताकि इज्जत बनती है, इज्जत आने जाने वाली चीज है, पैसा कमाओ। कोहली भाई इज्जत तो इनकी कुछ भी नहीं बचेगी, चौथा पांचवा मैच हमारे प्लेयर ही जीतेंगे, हाँ पैसा इन लोगों को मिल जाएगा, पांचवा मैच देखने लोग आएंगे बड़ी तादाद में, लेकिन वो भी हम ही जीतेंगे, इनकी बेइज्जती होगी लेकिन पैसा इनको मिल जाएगा अच्छा खासा। अबे चुप कर कौनवी के बच्चे, ये तेरे प्लेयर घिसे पिटे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये तेरे बच्चे रोएंगे, वो तो गलती से एक मैच जीत गए, और कोहली भाई पैसे की चिंता हमको नहीं है, हमारे देश में बहुत पैसा है, PSL इतना पैसा दे रहा है हमको, वर्ल्ड कप खेलने का भी जरूरत नहीं है। हाँ बाबर भैया बिल्कुल सही बोला, कौन ससुरा जाएगा इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने, बाहर में जाए, वैसे ये टेंटिंग करने दो, चाचा इनको चौथे मैच में ही ऐसा बैंड बजाएगा, तीसरे मैच में बच गए थे, चौथे मैच में चाचा किसी कीमत पर इन ससुरी वालों को नहीं छोड़ेगा। छोड़ चाचा, बहुत होगी इनकी बेइज्जती, खामखा दिमाग खराब कर रहे हैं, हम एशिया कप और वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे ना तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे देश फोकट में मारे जाएंगे जो पाकिस्तान के बलबोते पर टेंटिंग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई भी बंदा भैया खामखा गुस्सा न करे, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।